टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने को अनिवार्य किए जाने का ऐलान किया था। अब राजधानी दिल्ली सहित कुछ राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने रियर सीट बेल्ट न बांधने के लिए चालान काटने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इससे जुड़े जो नियम बताए गए हैं उसमें लोगों को कई झोल नजर आ रहे हैं। मसलन, बैक सीट पर अगर तीन लोग बैठे हैं पर सीट बेल्ट दो लोगों ने ही लगाई है, क्या तब भी चालान कटेगा? क्योंकि आम तौर पे पिछली सीट पर तो दो ही सीट बेल्ट होती हैं। अगर नियम के तहत पुलिस तीसरी सवारी का चालान करती है तो सवाल उठेगा कि इसमें कार मालिक की क्या गलती है। कंपनियां कारों को 5 और 7 सीटर बोलकर ही बेचती हैं। अगर इसमें तीसरी सीट बेल्ट नहीं लगी है तो फिर खरीदने वाले की इसमें क्या गलती है? इसके अलावा कई पुरानी गाड़ियों में तो पीछे की सीट पर बेल्ट ही नहीं है, क्या ऐसी कारों में भी पीछे की सीट पर बैठने वालों का चालान कटेगा? माना जा रहा है कि चालान उन्हीं गाड़ियों का किया जाएगा जिनमें सीट बेल्ट है और उसे पहना नहीं गया है। एक सवाल बच्चों को लेकर भी उठ रहा है, क्या माता पिता के लिए ये संभव होगा कि बच्चे को सीट बेल्ट लगाकर उसे एक जगह पर पूरे सफर के दौरान बैठाया जा सके? कुल मिलाकर ट्रैफिक पुलिस के लिए पीछे की सीट पर तीसरी सवारी और बच्चों के लिए चालान का डंडा चलाना काफी चुनौती भरा रहेगा। पुलिस को ऐसे मामलों में विवेक से ही काम लेना होगा। NBTO ऑनलाइन की रिपोर्ट।